तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज जो है शिवन्या का फर्स्ट डे है कि शिवन्या जो है पूरा रेडी वेडी होकर के बैठी हैं। अभी बज रहा है सुबह का 9:30 और अब शिवन्या की शुरू होने जा रही है अबाकस क्लास। तो बड़े दिनों के बाद US आने के बाद अब जो है इसकी अबाकस क्लास, जो कि इसकी टीचर रही हैं इंडिया में, वो स्टार्ट कराएंगी ऑनलाइन। तो हम सारे काफी एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड हो तुम? हाँ। क्यों? अरे ऐसे मम्मी की पहली बार। पहली बार, और उसके बाद? उसके बाद अबाकस। उसके बाद क्या? तो हम लोग ये सारी बुक्स वगैरह जो है शिवन्या की, आप लोगों ने देखा होगा जिसमें शिवन्या को मेडल वगैरह मिला था, तो उस दिन मैम ने इसके नेक्स्ट ईयर की बुक हमें दे दी थी, प्रैक्टिस वाली सब कुछ। और ये जितने भी इसके अबाकस के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे हम लोग ले आए थे। और यहाँ किमू भी उठ गई हैं सुबह सुबह दीदी का तमाशा देखने। दीदी की स्टडी देखने। तो पापा और हम लोग ऐसे उम्मीद में आस लगाए हुए कैमरे की तरफ देख रहे हैं, लिंक की तरफ देख रहे हैं, कब मैम आएंगी और कब शिवन्या की क्लास स्टार्ट होगी। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। यू आर एक्साइटेड? ओके ओके, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड हाउ मच यू आर एक्साइटेड। तो चलिए, आप भी थोड़ी देर में आप लोगों को मिलाएंगे आशा जी से भी, काफी दिनों बाद वो हम लोगों से और अपने स्टूडेंट से मिलेंगे। आज ना शिवान्या के दो फ्रेंड आने वाले थे हेलो करने के लिए। अरे कौन कौन आने वाले थे? तुम्हारे दो फ्रेंड कौन? प्रीशा प्रीशा एंड परी। ओ अभी वो 6 बजे क्लास करके गए, आएंगे हम 7 बजे आएंगे। देखो अभी तो आए नहीं। आएंगे आएंगे, हाय हेलो करने जरूर आएंगे। शिवन्या की तरफ से उन दोनों को हाय हेलो कहिएगा, मेरी तरफ से भी आशा जी। और मेरा ब्लॉग देखिएगा आप, इस आप अभी मेरे ब्लॉग में है एडिट होकर के, ये मंडे ट्यूसडे को आने वाला है। आपका ट्यूसडे का हाथ देखिए। इसको प्रीशा को कि शिवन्या जो है कनेक्ट होने वाली है कल। मजा आ रहा है याद आ रहा है फ्रेंड्स का? बहुत बहुत हमने शिवन्या से कहा, हम लोग बड़े एक्साइटेड हैं शिवन्या, फाइनली तुम वापस से अपनी इंडिया से क्लासेस स्टार्ट करने वाली हो। शिवन्या भी खूब एक्साइटेड है, कल से एकदम टाइम से सो गई थी कि मुझे सुबह जल्दी जगना है। अभी एकदम ब्रश व्रश करके दूध वूध पी के एकदम बैठी है कि पढ़ाई के मूड में है। तो बस क्लासेस वगैरह ख़त्म हुई और फिर हम लोग प्रॉपर रेडी होकर नहा धोकर घर से बाहर निकल गए हफ्ते भर की शॉपिंग के लिए। तो हमने लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और भी कुछ ईटरीज़ के आइटम। हमारे घर के पास एक एच मार्ट करके एक मार्ट है वहाँ पर, जो कि वॉक इन है, हम अपने घर से वॉक इन ही चले जाते हैं यहाँ पर। तो हम निकल कर आए शॉपिंग के लिए और ये देखिए आज का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और ये लॉन्ग वीकेंड है, यानी कि यहाँ पे कोलंबस डे है मंडे को, और तो हम मतलब ये लॉन्ग वीकेंड है तो लोग निकल जाते हैं कहीं कहीं घूमने के लिए। और ये जो रोड आप देख रहे हैं जहाँ से गाड़ियाँ ऊपर जा रही हैं, बस इसी रास्ते से पैदल होते हुए हम ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पर हमारी सोसाइटी आती है। तो ये बहुत ही वॉक इन डिस्टेंस पे है, तो अभी गाड़ी नहीं है तो उसके हिसाब से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सहूलियत वाली चीज़ है कि हम फैमिली चारों जो है अपना हंसते बोलते यहाँ तक आते हैं, अपनी शॉपिंग करते हैं और ये देखिए तीनों आ गए। तो बस बच्चों के साथ आउटिंग का ये भी एक अच्छा तरीका है, हम लोग बाहर निकल जाते हैं साथ में शॉपिंग करने। तो बस अब यहाँ की शॉपिंग हमारी हो गई थी और बिल्कुल यहीं से एक ट्रेल जाती है, देखिए जैसे ये एच मार्ट है और इस ट्रेल से होते हुए हम निकल जाएंगे वॉलमार्ट के लिए। और साथ साथ हम लोगों ने ले ली थी अपने लिए एक एक ड्रिंक और पीते हुए टाइम पास करते हुए हम चल दिए थे वॉलमार्ट की तरफ, जो कि बहुत ही करीब है। जैसे कि आप, मैं आपको दिखाती हूँ जैसे थोड़ा जूम इन करके, ये है वॉलमार्ट, ठीक है, अभी देखिए कितना पास है, और इसके इस तरफ है ये एच मार्ट। तो हम यहीं की ट्रॉली लेकर के वॉलमार्ट तक हंसते बोलते बातें करते, मैं शिवन्या, सौरभ तो खैर स्पीड में थे बिकॉज़ उनके पास ट्रॉली थी तो उनको पुश करके चढ़ान है तो जल्दी निकलना था। बस यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद शाम को हम लोग निकल गए मंदिर,
वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे एक अच्छी सी आउटिंग भी हुई, थोड़ा लोग मिल गए, बोल बात कर लिया। तो होप करती हूँ कि आज का ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा मेरा व्लॉग तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बस आज के लिए यहीं तक, फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।